गुजरात चुनाव में आए एक इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को हिला कर रख दिया है। गुजरात चुनाव का सस्पेंस और गहरा गया है। हार के डर से भाजपा ने अपना सारा प्लान बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अहमदाबाद की सड़कों पर 50 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा रोड शो करते हैं और फिर पूरे चुनाव प्रचार को खुद अपने सर पर अपने माथे पर उठा लेते हैं और ऐसा लगता है कि उनको बाकी नेताओं पर कोई विश्वास नहीं रहता है, तो ये झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी संकट में है। गुजरात में जनता के फैसले से वो डरी हुई है और भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी के लिए गुजरात की राह आसान नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में नाराजगी है और गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गुजरात का ये चुनाव निकल चुका है और इसीलिए बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक अब ध्रुवीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, क्योंकि गुजरात में विकास के नाम पर वोट मांगना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पिछले 27 सालों में भाजपा ने गुजरात को जो दिया है उसका रिटर्न गिफ्ट बीजेपी के लिए बहुत खराब मिलने वाला है। गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से राज्य में चुनाव जीत जाएगी और बीजेपी को किसी तरह का कोई संकट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आते गए भाजपा की मुश्किलें बढ़ती गईं। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की सड़कों पर सभाएं करते नजर आए, रैलियां करते नजर आए, रोड शो करते नजर आए, लेकिन इन सब का उल्टा असर दिखता चला गया। भाजपा से और पीएम मोदी से नाराजगी का असर ये हुआ कि लोग मुखर होकर गुजरात में बोलने लगे कि पिछले 27 सालों में भाजपा ने क्या किया। पीएम मोदी से लोगों की बहुत उम्मीदें थी। गुजरात के लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे गुजरात का एक नया दौर शुरू होगा और गुजरात के लोगों की जिंदगी में एक नए दौर का आगाज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुजरात कई पैमाने पर पिछड़ता चला गया। डायमंड इंडस्ट्री से लेकर कपड़ा कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। नोटबंदी और जीएसटी ने यहाँ के कारोबारियों की कमर तोड़ कर रख दी। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगार युवाओं की एक फौज खड़ी हो गई। महिलाओं पर महंगाई का भारी संकट देखा गया। इन तमाम परिस्थितियों के बीच भाजपा के सामने 2022 का चुनाव आया है, तो बीजेपी को लेकर लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसकी बड़ी भूमिका होगी और वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी का वोट काट रही है या फिर बीजेपी का, ये कहना मुश्किल है। मगर कांग्रेस बड़ी ही खामोशी से भाजपा को डैमेज करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्य में ऐसा परिणाम आने वाला है जो किसी को शायद अंदाजा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हो सकता है एक बड़े मार्जिन के साथ राज्य में सरकार बना ले, क्योंकि बीजेपी से लोगों की जो नाराजगी है वो साफ दिख रही है और कांग्रेस के प्रति लोगों का नरम रवैया दिखा रहा है कि राज्य में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर गुजरात का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के सपनों के बिल्कुल विपरीत आता है तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और पूरे देश की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि जिसके बारे में भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्यों देश के पीएम नरेंद्र मोदी की 40 से ज्यादा सभाएं रखी गई हैं। गुजरात में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर वोट मांगे जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में आफताब का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया है कि गुजरात की जनता उससे बेतरह नाराज है और इसके लिए कुछ न कुछ नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, इस अभी जीएसटी के हिसाब से हर चीज महंगी हो जाती रही है। उस हिसाब से माल बिकना बंद हो गया, धंधा रोजगार ठप होने वाला, हर चीज पे लूट चालू कर दी है सरकार ने। 18% 28% जीएसटी, बच्चों के स्कूल फीस और पेंसिल पेन भी नहीं रखा बाकी,
जो किताबें सब पे जीएसटी लगा दिया, कभी पढ़ाई पे जीएसटी नहीं होता है, पे दही दूध रोटी आटा वो सब पे भी जीएसटी लगा दिया, इतनी महंगाई कर दिया है गरीबों का। और आप जीना मुश्किल हो गया कर रहे हो, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है, पूरा का पूरा बेरोजगारी और इतनी महंगाई हो गई है। सामान्य बिजली बिल सामान्य गरीब परिवार को 2,000-2,500 आता है, और 1150 का गैस सिलेंडर है, कैसे खाएगा गरीब?